नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी में। आज के इस वीडियो में हम लोग इस सप्ताह का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। लास्ट टाइम हमने 9th of March तक के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर को एनालिसिस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th of March से लेकर आज तक यानी कि 16th of March तक के छत्तीसगढ़ के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको एनालिसिस करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने जितने टॉपिक्स का एनालिसिस किया था उन टॉपिक्स का यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं एक बात और, जो नेशनल करंट अफेयर वाला हमारा वीडियो था, स्टूडियो में वर्क की वजह से नेशनल करंट अफेयर वाला जो वीडियो था आपको एक आध दो हफ्ते से नहीं मिला होगा, वो इस हफ्ते से कंटिन्यू हो जाएगा। और इसके अलावा जो मैंने बोला था कि ट्रेंडिंग टॉपिक जो डेली अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं तो उसका एनालिसिस भी हम लोग तुरंत से तुरंत कर लेंगे। तो आप लोग संपूर्ण आपके सिलेबस के आधार पर छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का एनालिसिस आप हमारे साथ कर सकते हो जुड़कर। गारंटी है, मैंने शुरू में भी बोला था कि शुरू से लेकर आखिरी तक अगर हमारे करंट अफेयर के वीडियोज़ या फिर मैगजीन्स को फॉलो करते हो तो आप करंट अफेयर से रिलेटेड अपने एग्जाम में 100% स्कोर कर सकते हो, ये गारंटी मेरी है। तो आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक चाहो तो बने रह सकते हो। मोबाइल कोर्स से रिलेटेड यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मोबाइल कोर्स जो हमारा है उससे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो घर बैठे बहुत आसानी से CGPSC का यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोगों के पास में भी एक सुनहरा अवसर है और 1000 बच्चों तक के लिए यहाँ पर ऑफर रखा गया था। कितना? 25% ऑफ रखा गया था, जो कि 4200 की जगह मात्र 3150 रुपये लग रहा था। तो 1000 सीट बहुत ही जल्द 7 से 8 दिनों में फुल हो गया था। उसके बाद बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि कुछ और दिन तक ये 25% का जो ऑफ चल रहा था उसको ओपन कर दिया जाए। तो अब आगामी 1500 तक बच्चों तक के लिए इसको ओपन कर दिया गया है, 25% जो ऑफ था, यानी कि 500 और बच्चों के पास में अवसर है इस मोबाइल कोर्स को परचेस करके घर में बैठकर आसानी से CGPSC का तैयारी करने के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पर यहाँ कॉल भी कर सकते हो। इसके अलावा मोबाइल कोर्स अगर आप सब्जेक्ट वाइज परचेस करना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था कर दिया गया है। आप अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आप यहाँ पर सारे प्राइजेस देख सकते हो। जैसे सिर्फ छत्तीसगढ़ का अगर आपको परचेस करना है तो मात्र 1550 रुपये का है, बाकी सब्जेक्ट्स का भी यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, चलिए। तो अगर आप घर बैठे आसानी से CGPSC का तैयारी करना चाहते हो ना तो मोबाइल कोर्स को परचेस कर सकते हो। ज़माना बदल चुका है तो आप लोग घर बैठे भी बहुत आसानी से CGPSC की तैयारी कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद एक स्लाइड और है, मेंस प्रोग्राम। मेंस प्रोग्राम हमारे यूट्यूब के माध्यम और डिस्कशन कम्युनिटी के माध्यम से आप घर बैठे कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं। और एक बच्चों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न था कि यह जो CGPSC का मेंस प्रोग्राम है 2020 में मेंस का पेपर देने वाले हैं उन लोगों के लिए, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ 20 के लिए नहीं, अगर आप 2021 में भी मेंस देने का सोच रहे हो, प्रिपरेशन करने का सोच रहे हो CGPSC का, तो आप इस मेंस प्रोग्राम से जरूर जुड़ सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर विजिट कर लीजिए, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं वहाँ से आप कर लीजिएगा। चलिए, अब आज का हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने जिन टॉपिक्स का एनालिसिस किया था उसका एक बार फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, और अटेम्प्ट करने से पहले अगर अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पर्वतरोही ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची चोटी पर सफल चढ़ाई की है? आंसर आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार से है, आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ी भाषा में महाशिव पुराण को किसके द्वारा लिखा गया है? ये रहा आपके सामने ऑप्शन, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किसान रामलाल लहरे को राष्ट्रीय नवाचार किसान सम्मान से सम्मानित किया गया है? रामलाल लहरे किस जिले के निवासी हैं? ये रहा आपके सामने ऑप्शन, आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसके अलावा एक बात और सुन लीजिए आप लोग कि टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशंस होते हैं या कुछ नया इनिशिएटिव लाया जाता है तो सारा नोटिफिकेशन आपका टेलीग्राम पे आता है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करना, वहाँ भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे डायरेक्ट कॉम्पिटिशन कम्युनिटी सर्च करके वहाँ से भी आप लोग चाहो तो जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए इंडेक्स। आज हम लोग इतने टॉपिक्स पर एनालिसिस करने वाले हैं। 8 मार्च को जो लोकवाणी का कार्यक्रम हुआ था, हम लोग जब भी लोकवाणी का कार्यक्रम होता है उसका एनालिसिस करते हैं, क्योंकि वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज इन टॉपिक्स पे हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, आप सारे टॉपिक्स को एक बार यहाँ पर देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं लोकवाणी से ही। सबसे पहले लोकवाणी के टॉपिक को हम लोग समझ लेते हैं। जो इस 8वीं कड़ी का लोकवाणी का कार्यक्रम था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड टॉपिक था।
और वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आपका जो पेपर नंबर 6 है पार्ट 3 सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, वहाँ पर काम आ सकता है इसके इंपॉर्टेंट डेटा। इसके अलावा जो आपका पेपर नंबर 2 है जहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर आपको ऐसे लिखना है, वहाँ भी अगर वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनके डेटा को आप इस्तेमाल कर सकते हो इस लोकवाणी के कंटेंट के आधार पर। तो चलिए इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिंगानुपात बात करते हैं। लोकवाणी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर सबसे पहले लिंगानुपात का बात कहा जाता है और यहाँ पर लिंगानुपात में रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट जो 2017 में आई थी उसकी बात की गई है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार आप देख सकते हो रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट ये जो 2017 की थी, इसके अकॉर्डिंग पूरे देश में लिंगानुपात का सुधार अगर देखा गया तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ आपके 1000 के कंपेरिजन में 1048 महिलाओं के स्थान के साथ में अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पे था और दूसरे स्थान पे 1000 के कंपैरिजन में आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे था। पहले तीसरे स्थान पे हुआ करता था लेकिन उसके बाद 2017 की इन आंकड़ों के अनुसार से छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे पहुंच गया है। तो लिंगानुपात से संबंधित आप वुमेन एम्पावरमेंट में महिलाओं से संबंधित जो जो वर्क किए गए हैं उसको आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर पोषण से संबंधित जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्कीम्स चलाए जा रहे हैं उसकी भी बात की जाती है। ये पोषण से संबंधित वुमेन एम्पावरमेंट में किस तरह से वर्क करता है, जैसे देखो महिलाओं में भी एनीमिया की समस्या होती है तो इस एनीमिया की समस्या को खत्म करने के लिए पोषण संबंधी जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है या फिर माल न्यूट्रिशन या फिर एनीमिया इससे रिलेटेड अगर आप कहीं वैल्यू एडिशन कर सकते हो या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है तो पोषण से संबंधित योजनाओं को भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। सरकार द्वारा कौन कौन से स्कीम्स चलाए जा रहे हैं पोषण से संबंधित, तो इन 4 स्कीम के बारे में आप लोग ध्यान रखना। पहला सुपोषण अभियान, दूसरा पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, तीसरा महतारी जतन योजना और चौथा जो है पोषण आहार योजना। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इस लोकवाणी में कौन कौन सी बातों पर ध्यान दिया गया। रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसर में वुमेन एम्पावरमेंट में यानी कि महिलाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए प्रदेश सरकार क्या क्या कर रही है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका आरक्षण की व्यवस्था, PSC या फिर व्यापम, इन एग्ज़ाम्स में जो है या फिर किसी भी विभाग का एग्ज़ाम ले लो उसमें महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की घोषणा की गई है। इसके अलावा दूसरे पॉइंट पे आ जाओ आप, आजीविका अंगना, बिलासपुर के गनियारी में आपको पता है कि आजीविका अंगना बनाया गया है, वहाँ पर महिलाओं द्वारा वर्क किया जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट का काम किया जा रहा है, सशक्त हो सके महिलाएं इसके लिए काम किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश के बाकी स्थानों में भी आजीविका अंगना जो है बनाए जाने की बात कही जा रही है। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि वुमेन को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और सरकार क्या कर रही है, तो महिला स्व सहायता योजना चलाया जा रहा है जहाँ पर महिलाओं के समूहों के द्वारा किसी न किसी प्रकार से वर्क करवाया जा रहा है। तो इस प्रकार से महिलाओं के रोजगार के अवसर देने के लिए प्रदेश सरकार क्या कर रही है, तो इस लोकवाणी कार्यक्रम में इन 3 चीज़ों का जिक्र किया जाता है। इसका इस्तेमाल आप कहीं भी वैल्यू एडिशन में कर सकते हो जहां आपको सही मायने में लगता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात होती है वुमेन सेफ्टी की, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, ये बात हमेशा उठकर सामने आती है महिलाओं के सुरक्षा से संबंधित, तो छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या कर रही है, तो लगभग 4000 से भी ज़्यादा CCTV कैमरेज लगाए गए हैं सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित, ये 2 हेल्पलाइन नंबर है 1091 और 181। इसके अलावा सखी वन स्टॉप सेंटर शुरू किया गया है महिलाओं के लिए। इसके अलावा महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना भी चलाया जा रहा है प्रदेश की पूरी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो वुमेन एम्पावरमेंट में महिला की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो आप वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं तो आप इन 4 बिंदुओं का जिक्र कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जितने पॉइंट्स मैंने लोकवाणी में बताया उतने पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। वो सारे पॉइंट्स कभी भी आप जब मेंस का आंसर लिख रहे हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होता है, महिलाओं की सुरक्षा की बात होता है, तो आप उनके पॉइंट्स को जितने मैंने बताया उसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट का टॉपिक है आप यहाँ पर देख सकते हो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बातें कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की। बहुत बार बता चुका हूँ ये कब शुरू हुआ था, 2019 के आपका जो इंटरिम बजट था उसमें शुरू किया गया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत में 6000 रुपये
प्रत्येक साल किसानों को उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट दिए जाने की बात कही गई और दिया भी जा रहा है, 2,000 रुपये के 3 किस्तों में, ठीक है। और यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, पहले था 2 हेक्टेयर से कम जोत भूमि वाले किसानों को दिया जाता था, लेकिन उसके बाद इसका दायरा बढ़ा दिया गया और अब जो है सभी किसानों को 6,000 रुपये दिया जाता है इस योजना के तहत। अब यहाँ पर समझिए कि ये योजना हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में क्यों एनालिसिस कर रहे हैं। तो जब यह योजना शुरू हुआ 2019 में, तो छत्तीसगढ़ में जो पात्र किसान थे इस योजना के, वो सिर्फ 2.5 लाख थे। एक आंकड़ा रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत किया गया, उसी का मैं यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ। तो जब शुरुआत हुआ तो छत्तीसगढ़ के किसान इस योजना के दायरे में सिर्फ 2.5 लाख आते थे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बात और मैं बता दूँ कि इसका इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हो। तो अगर ऐसे में आता है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन या फार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप वहाँ इसके पॉइंट को यूज़ कर सकते हो। या फिर पेपर नंबर 5 में छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्रीकल्चर या किसानों से संबंधित मुद्दे पर, या ज्योग्राफी में किसानों के मुद्दे से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो आप इनके पॉइंट्स को आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो जब यह शुरू हुआ तो 2.5 लाख किसान कवर थे इस योजना के तहत में, लेकिन पिछले 8 महीनों में इसकी संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हुई और 19 लाख किसान बढ़ गए। और अभी वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के जो टोटल किसानों की संख्या है, इस स्कीम के पात्र किसानों की संख्या, वो आप यहाँ पर 21,45,000 देख सकते हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक लेटर भी लिखा था कि किसानों का दायरा बढ़ाया जाए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत में, उसके बाद ये दायरा बढ़ाया भी गया है। उसके बाद अब जो छत्तीसगढ़ के वर्तमान किसान हैं वो 21,45,000 हैं जो इस योजना के पात्र हैं, ठीक है। डेटा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये भी बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ में किसानों की स्थिति किस प्रकार से है। अब यहाँ पर ये देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में टोटल किसानों का जो नंबर है वो है 37,46,480, और छत्तीसगढ़ में इन किसानों के पास जो टोटल खेती वाली भूमि है वो है 50,84,049 हेक्टेयर। सीमांत किसान यानी कि ऐसे किसान जिनके पास में 1 एकड़ से कम की भूमि है, ऐसे किसानों का संख्या है 21,82,434। लघु किसानों की संख्या है जिनके पास में 1 एकड़ से लेकर 2 एकड़ तक के भूमि है, ऐसे किसानों की संख्या है यहाँ पर 8,31,118। अल्प सीमांत की अगर हम लोग बात करें, जिन किसानों के पास में 2 एकड़ से लेकर 4 एकड़ तक की भूमि है, ऐसे किसानों का संख्या है प्रदेश में 5,02,989। मध्यम किसानों की अगर हम बात करें, जिनके पास में जो खेती की भूमि है वो 4 एकड़ से लेकर 10 एकड़ तक है, तो ऐसे किसानों की संख्या है 2,01,841। और ऐसे किसान जो बड़े किसान होते हैं उनकी संख्या है प्रदेश में आपका, तो ये स्थिति है प्रदेश में किसानों का, ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इन आंकड़ों का इस्तेमाल आपके मुख्य परीक्षा के लिए हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से पेपर से रिलेट करेगा मैं आपका पहले ही बता चुका हूँ। और ये जो किसानों की स्थिति है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि 2010 और 11 के गणना रिपोर्ट के आधार पर है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मलेरिया मुक्ति बस्तर अभियान, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक आपका रिलेट करता है पेपर नंबर 7 पार्ट 1 में जो आपका छत्तीसगढ़ के स्कीम से रिलेटेड जहां पर आपको आंसर लिखना है वहां, और आगामी जितने भी प्रीलिम्स के एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कौन सा? मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान। बस्तर के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर मलेरिया की समस्या बहुत ज़्यादा था, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान शुरू किया गया। और इस अभियान का प्रथम चरण चलाया गया कब से? 15 जनवरी से 14 फरवरी तक के। किसके द्वारा चलाया गया? ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा। क्षेत्र नाम से ही क्लियर है, बस्तर क्षेत्र में चलाया गया। कब से कब तक चलाया गया इस बात को ध्यान रखिएगा। चलाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? नाम से क्लियर है, बस्तर क्षेत्र में मलेरिया से मुक्ति दिलाने के लिए इस अभियान को चलाया गया। इस अभियान का लक्ष्य क्या था? 3 लाख घरों तक पहुँचना, यानी कि बस्तर क्षेत्र के 3 लाख घरों में जाकर मलेरिया से रिलेटेड वहाँ पर जांच करना, और अगर पॉजिटिव केसेस पाए जाते हैं तो उसका इलाज करना। अब लक्ष्य के विरुद्ध कितने घरों तक पहुंचा गया? तो 2,76,000। इसीलिए ये न्यूज़ में है आपका मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान।
इस अभियान का डेटा आया है सामने, जिसके अनुसार जो 3 लाख घरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है, इन 3 लाख के अगेंस्ट 2,76,000 घरों तक पहुंचा गया है। एक बात और यहां पर इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इस दौरान जो है इन 2,76,000 घरों के 14,05,610 लोगों के खून का सैंपल लिया गया है, जांच किया गया है, और जहां पर पॉजिटिव केसेस मिले वहां पर उनका इलाज भी किया गया है। बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है बस्तर में मलेरिया को ख़त्म करने के लिए, यह अभियान जो है एक इम्पॉर्टेंट कैंपेन बन जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। इसका प्रथम चरण 15 जनवरी से 14 फरवरी तक चला, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोषण पखवाड़ा। पोषण पखवाड़ा हर साल प्रदेश में चलाया जाता है और हर साल जो है इंटरनेशनल वुमेन डे यानी कि 8 मार्च से इस पखवाड़ा का शुरुआत होता है, और इस साल भी 8 मार्च को छत्तीसगढ़ में पोषण पखवाड़े का शुरुआत हुआ। 8 मार्च से कब तक? 22 मार्च तक चलेगा यह पोषण पखवाड़ा। किसके द्वारा इस पोषण पखवाड़े को चलाया जाता है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पोषण अभियान के तहत इस पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। उद्देश्य क्या है? सुपोषण के प्रति जन, ये जान नहीं जन होगा, ठीक है, जन जागरूकता फैलाना, यानी कि जो भी सरकार की तरफ से स्कीम्स चलाए जा रहे हैं सुपोषण को लेकर, पोषित करने को लेकर, चाहे वो सुपोषण अभियान हो चाहे वो पोषण अभियान हो, इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, एनीमिया की समस्या को ख़त्म करना, माल न्यूट्रिशन की समस्या को ख़त्म करना, तो इस तरह से पोषण पखवाड़ा चलाया जाता है। और इस पोषण पखवाड़ा का 2020 में जो सूत्र वाक्य है, या फिर आप इसे थीम भी कह सकते हो, तो वो क्या है? सही पोषण देश रोशन। चलिए ध्यान रखिएगा, मेन आपका ये डेट है, इम्पॉर्टेंट है, इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या है? ऑनलाइन लाइव इंटरैक्टिव कक्षाओं की योजना। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर शिक्षा की पहुँच अभी तक नहीं हो पाई है, और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी है। तो ऐसे क्षेत्रों को विकसित करने के लिए, ऐसे क्षेत्रों में एजुकेशन सिस्टम को पहुँचाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन, जिसके तहत में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है। वो पायलट प्रोजेक्ट कौन सी योजना का है? वो है ऑनलाइन लाइव इंटरैक्टिव कक्षाओं की योजना। इस योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है? स्कूल शिक्षा विभाग। उद्देश्य क्या है? स्कूल में शिक्षकों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से इस योजना को चलाया जा रहा है। याद रखिएगा, अभी सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये अभी छोटे स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में यह योजना सफल हो सकता है कि नहीं, बस इसका एक क्रियान्वयन के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है। वर्तमान समय में 12 स्कूलों में लाइव कक्षाएं चलाई जा रही हैं, और ये लाइव कक्षा कहां से शुरू हो रहा है? तो इस लाइव कक्षा का जो शुरुआत है तो वो हो रहा है भारतीय अमेरिकी मूल की नागरिक जिनका नाम है अर्चना देवकर, जो कि 12 स्कूलों में लाइव कक्षाएं ले रही हैं। अर्चना देवकर जो है बोस्टन साइंस रिसर्च सेंटर में वहाँ पर वर्क करती हैं, तो इनकी तरफ से जो है इस स्कीम के तहत में जो पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसके तहत 12 छत्तीसगढ़ के कक्षाओं में ऑनलाइन जो है वो क्लासेस ले रही हैं। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के जो दूरस्थ एरिया हैं वहाँ पर अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं पहुँच पाया तो छत्तीसगढ़ में जो शिक्षकों की कमी है उसको फुलफिल किया जाता है ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से किया जा सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर छत्तीसगढ़ में शिक्षा पहुँच से रिलेटेड अगर कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर कहीं अगर आपको लगता है कि वैल्यू एडिशन किया जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, या शिक्षा के क्षेत्र में कमी से रिलेटेड आप कहीं भी वैल्यू एडिशन करते हैं, तो आप इस स्कीम का वहां पर मेंशन जरूर कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है वन स्टेट वन गेम योजना से संबंधित। यह जो नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी है उस अथॉरिटी का यह स्कीम है जिसका नाम है वन स्टेट वन गेम योजना। यह जो योजना है वो न्यूज़ में क्यों है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा भारत के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वन स्टेट वन गेम योजना के तहत में खेल का प्रस्ताव मांगा गया था। अब इसका मतलब समझिए, वन स्टेट वन गेम। इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी क्या करता है कि 2024 के ओलंपिक्स के लिए खिलाड़ियों को तैयार कर रहा है, कौन सी योजना के तहत में? वन स्टेप वन गेम योजना के तहत में। इसीलिए
हर स्टेट से एक खेल का चयन किया जा रहा है। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी गेम का यानी कि स्पोर्ट्स का प्रस्ताव मांगा गया था कि आपके राज्य में कौन सा खेल जो है वो ओलंपिक तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसी के लिए छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी को वन स्टेट वन गेम योजना के तहत में कुछ खेलों का प्रस्ताव जो है भेजा गया था। इसमें से था आर्ची, बैडमिंटन और हॉकी। आर्ची का मतलब तीरंदाजी से होता है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ के तीरंदाजी को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है और जो आपका 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है उसके लिए छत्तीसगढ़ के तीरंदाजी को जो है वो तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ को तीरंदाजी के क्षेत्र में यानी कि आर्ची के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिला है। ओलंपिक तक जाने का यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया जाएगा यहाँ के जो तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं उनको। तो इस तरह से याद रखिएगा वन स्टेट वन गेम योजना, जिसमें छत्तीसगढ़ के आर्ची खेल का चयन किया गया है। प्रीलिम्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए इसके बाद यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स बताए वो भी देख लीजिए। 2024 तक यहाँ पर खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा और छत्तीसगढ़ के जो आर्ची खिलाड़ी हैं यानी कि तीरंदाज खिलाड़ी हैं उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकेगा। तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। इसके बाद देखिए पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई को यूपी में मिला नूक निर्मला सम्मान। तो ये भी एक प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और तीजन बाई को जो है आपके यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है यह लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा इस सम्मान के बारे में ध्यान रख लीजिए। इस सम्मान को कौन सी संस्था के द्वारा में दिया जाता है? तो सोन चिरैया संस्था की ओर से यह सम्मान प्रदान किया जाता है। पांडवानी गायिका तीजन बाई को यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सम्मान को दिया है और इस सम्मान में और इन्हें क्या मिला है, 1,00,000 रुपये और सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है। तो बस ध्यान रखिएगा प्राइस कितना है इस पुरस्कार में, 1,00,000 रुपये। कौन सी संस्था की तरफ से दिया गया है, सोन चिरैया। किसको प्राप्त हुआ है, तीजन बाई। किनके द्वारा दिया गया है, तो योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य महिला फुटबॉल टीम बनी राष्ट्रीय विजेता। हाल ही में गोवा में एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। उस टूर्नामेंट का नाम है राष्ट्रीय इंक्लूजन फुटबॉल कप, जिसमें छत्तीसगढ़ ने पंजाब की टीम को हराकर फाइनल मुकाबला जीता है। ठीक है, टूर्नामेंट का नाम याद रखिएगा, आयोजन कहाँ हुआ ये याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की फुटबॉल टीम ने फाइनल जीता है, कौन सी टीम को हराकर, पंजाब की टीम को हराकर, ये याद रखिएगा। बस इतना सफिशियंट है, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, ब्रिटिश संसद में सी इंस्पायर अवार्ड से श्रुति को सम्मानित किया गया है। श्रुति रहने वाली हैं आपके कोरबा जिले की। ठीक है, इनका पूरा नाम है श्रुति यादव। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखिएगा। और महिला दिवस के अवसर पर ब्रिटिश संसद के द्वारा सी इंस्पायर अवार्ड 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है यूनाइटेड किंगडम और दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्रुति यादव के बारे में याद रखिएगा। यह भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की श्रुति यादव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं, तो शूटिंग खिलाड़ी हैं। हाल ही में इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो ब्रिटिश संसद की तरफ से सी इंस्पायर अवार्ड दिया गया है। ठीक, इनके बारे में आप लोग यहाँ पर इतनी चीज़ों को ध्यान रखिएगा इस अवार्ड से रिलेटेड। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आप श्रुति यादव से संबंधित भी ले सकते हो। जैसे मैंने बताया कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी हैं और इन्होंने 2019 में इटली के यूरोपियन मास्टर खेल में 2 स्वर्ण पदक भी जीता था। वह विश्व मास्टर 2021 में खेलों के लिए भी चुनी गई हैं जो कि कंसाई जापान में होने वाला है। इसके अलावा बास्केटबॉल में भी श्रुति राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रह चुकी हैं। तो श्रुति यादव कोरबा की रहने वाली हैं, शूटिंग की खिलाड़ी हैं। हाल ही में इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया ब्रिटिश संसद की तरफ से। कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इस बात को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा पूरा आज का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जहाँ हमने टोटल 9 टॉपिक्स का एनालिसिस किया है। सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक्स मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है मैंने वो पेपर नंबर बता दिया है। नेशनल करंट अफेयर वाले वीडियोस इस सप्ताह से आपको रेगुलर मिलना चालू हो जाएगा, तो आप कंटिन्यू हमारे साथ जो है वो तैयारी कर सकते हो। करंट अफेयर्स मैंने शुरू में भी बोला था, इसकी पूरी जो जिम्मेदारी और पूरी गारंटी है वो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। आप लोगों को करना ये है, शुरू से लेकर
अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चाहे हमारी मैगजीन्स है, और इस मंथ की जो मैगजीन है अप्रैल वाला, उसको क्वार्टरली भी बनाया गया है, ताकि जो आपका आगामी एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या फिर जो आगामी एग्ज़ाम हो, उसके लिए उस मैगजीन को ध्यान में रखते हुए उसमें जनवरी से लेकर मार्च तक के कंटेंट को भी समाहित किया गया है अप्रैल के अलावा। तो उसे भी परचेस करके आप प्राप्त कर सकते हो। पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में मेहनत करते रहें। मैंने एक कहीं पढ़ा था कि 100 जगह एक एक फीट गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलता, अगर एक ही जगह पर 100 फीट गड्ढा खोदा जाए तब पानी निकलता है। तो आप ज़्यादा इधर उधर भटक कर माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के बजाय आप जो है एक जगह कहीं भी रहें, एक जगह रुक कर तैयारी करें, ईमानदारी के साथ में तैयारी करते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा जो मैंने शुरू में बताया कि अगर आप मोबाइल कोर्स या फिर मेंस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल जुड़िएगा, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियोस को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।